नमस्कार फोकस पॉइंट को स्वागत करुछि मु स्वागतिका पुनः खबर को पुणी भारत रास्तारे कंटा साजिला चीन जैसे मोहम्मद मुखिया मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषणा प्रस्ताव को जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे भीटो करिछि चीन पाकिस्तान प्रति पुणी दरद देखाइछि चीन कहिछि मसूद संपर्क रे जांच पई अधिक समय दरकार चीन नो भीटो प्रयोग फल रे मसूद को विश्व आतंकवादी घोषणा प्रस्ताव 9 मास स्थगित रहिब चीन आभिमुख्य रे निराशा व्यक्त करिछि भारत आगकू मसूद विरोध रे लड़ाई जारी रहिब बोली कहिछि वैदेशिक मंत्रालय अजहर प्रसंग रे भारतर कूटनीति सफल होइछि बोली नवा दिल्ली कहिछि जैसे मोहम्मद आतंकवादी मसूद अजहर को आंतर्जातिक आतंकवादी घोषणा उद्यम रे पुणी थरे कंटा होइछि पाकिस्तान रो सबुदिनिया बंधु चीन पुलवामा आतंकवादी आक्रमण रे जयश्र हाथ थिबा नै भारत कूटनैतिक स्तर रे प्रमाण देला परे मसूद अजहर को आंतर्जातिक आतंकवादी घोषणा करबाक उद्यम आरंभ होइतला अमेरिका फ्रांस और ब्रिटेन जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे प्रस्ताव आनिथिले किंतु चीन निजर मसूद प्रीति को पुणी दोहराइछि सुरक्षा परिषद रे वीटो अधिकार प्रयोग करी प्रस्ताव को अटकाई चीन चतुर्थ थर पर मसूद अजहर को बंचाई चीन 9 मास प्रस्ताव स्थगित रखिपार चीन चीन कही अजहर विरोध में सेमिति किसी प्रमाण नहीं। हर देश ने उसकी निंदा की, पाकिस्तान के मित्र देशों ने भी न्यूट्रल किसी बयान दिए। मैं सबसे बड़ी सफलता मानता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस को जब पाकिस्तान ने कहा कि सुषमा जी को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाओगे तो हम नहीं जाएंगे, इस्लामिक 54 इस्लामिक देशों ने कहा भाई हम तो बुलाएंगे, आपने आना है आइए, नहीं आना ना। पाकिस्तान नहीं गया। चीन रो आभिमुख्य रे निराशा प्रकट करिछि भारत आगको मसूद अजहर विरोध रे लड़ाई जारी रहबो बोली कहिछि वैदेशिक मंत्रालय केंद्र अर्थमंत्री अरुण जेटली कहते चीन एभली आचरण में कौन नूतनत्व नहीं। मसूद अजहर प्रसंग में भारतर कूटनीति सफल होती जेटली न्यूज 18 को कहते एपरिक पाकिस्तान बंधु राष्ट्र माने इस्लामाबाद को आतंकवाद प्रसंग में निंदा करते जेटली। अब जहां तक UN सिक्योरिटी काउंसिल का प्रश्न है, सभी मेंबर्स एक आवाज में बोले चाइना का यह पुराना स्टैंड था, यूपीए सरकार के दौरान भी चाइना का यही स्टैंड था, हमारी सरकार के दौरान भी था। मसूद को अंतर्जातिक आतंकवादी घोषणा प्रस्ताव को वीटो करबा परे प्रतिक्रिया रखिछि चीन। मसूद को अंतर्जातिक आतंकवादी तालिकाभुक्त करबा नै पुंखानुपुंख अनुध्यान करबाकू अधिक समय आवश्यक बोली चीन वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु कहा जायछि। जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे वीटो कार्ड खेली चीन आतंकवाद प्रसंग में निजर दोहरा आभिमुख्य प्रकट करिछि बोली पूर्वतन कूटनीतिज्ञ और प्रतिरक्षा विशेषज्ञ माने कहते। हमको किसी प्रकार का झटका नहीं लगा, हमको साफ तौर पे पहले ही यकीन था कि चाइना हर हालत में हिंदुस्तान की सेंसिटिविटी इग्नोर करेगा, दुनिया के व्यूज को इग्नोर करेगा और वही करेगा जो पाकिस्तान और चाइना के हित में है, और उसने वही किया। अभी समय आ गया है कि हिंदुस्तान कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे चाइना को साफ तौर पे नजर आए ये खेल एक तरफा नहीं है। हम भी चाइना की सेंसिटिविटी को इग्नोर करना चाहिए और आहिस्ते आहिस्ते कैलिब्रेटेड तरीके से तिब्बत और ताइवान कार्ड को प्ले करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के थ्रू तो जो कुछ आपको करना था कर लिया और चीन उसको ब्लॉक करता ही रहेगा, तो और भारत के लिए अब ये ज़रूरी है कि अपनी चीन नीति को वो अच्छी तरह देखे और उसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह की जो चीन काम करता है उसकी कीमत अदा उसको करनी पड़ेगी और भारत को ये सोचना चाहिए कि चीन को किस तरह से उसकी कीमत जो है वो किस तरह से कीमत उसको अदा करवा सके। गत 10 वर्ष है भारत पक्ष मसूद को आंतर्जातिक आतंकवादी घोषणा करने को उद्यम हो सबुथर पाकिस्तान सबुदिनिया बंधु चीन ए दिगरे कंटा साजिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे चीन रो चालबाजी जगु मसूद अजहर पुणी बर्तीगला। वीटो पावर दुर्व्यवहार जगु चीन एवं आतंकवाद को नहीं नरम आभिमुख्य जगु पाकिस्तान को कड़ा निंदा करुछि सारा विश्व। इमरान सरकार को वैदेशिक मंत्री खोला आह्वान देइछन्ती अजहर को हस्तांतर कले ही सुधुरिबो द्विपाक्षिक संपर्क। सेपटे चीन चाल पर भारत एवं अमेरिका परोक्ष चेतावनी देइछन्ती कहिछन्ती अजहर विरोध रे एक्शन निश्चित हेबो एथिपाई एबे भी समस्त विकल्प खोला अछि। वजीर आजम पाकिस्तान से के टेरर पे बात नहीं एक्शन चाहिए। इतना झूठ बोलोगे भाई, किसके सामने बोलोगे, कब तक बोलोगे? अगर इमरान खान इतने उदार हैं तो दे देना मसूद अजहर को हमें। पाकिस्तान को भारत और सीधा कथा दुई देश मध्य स्वाभाविक हो पार संपर्क, किंतु एथिपाई गोटे शर्त आतंकर अंत, आतंकवादी विरोध में कार्यानुष्ठान और मसूद अजहर को हस्तांतर कले ही आलोचना सार्थक हो। मसूद अजहर जैसे मोहम्मद रा मुखिया और पुलवामा समेत अनेक आतंकवादी आक्रमण रा मास्टरमाइंड। जहां इमरान सरकार असुस्थ कहतुआ बेले तार अस्तित्व नहीं प्रश्न उठाउछि पाक सेना, किंतु आतंकवादी आक्रमण पर निजको दायी करुछि अजहर, निजको सुस्थ बोली दाबी करुछे और पाकिस्तान ने थिबार प्रमाण दे पाक मिछर पर्दाफाश करिछे। आतंकी अजहर पुणी थरे बर्ती जाइछे। पुणी पाकिस्तान नापाक बंधु चीन अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हेबारु बंचाइछे। 10 वर्ष मध्यरे चतुर्थ थर पई वीटो जरिया अजहर को बंचाइछे चीन। आतंकवाद प्रसंग रे चीन चालबाजी पर जातिसंघ सुरक्षा परिषद महत्व नहीं प्रश्न उठाई वैदेशिक व्यापार मंत्री सुषमा स्वराज। मौन साधे बैठी है सिक्योरिटी, कुछ नहीं कर पा रही। पाकिस्तान के बारे में इंडियन पर्सपेक्टिव को ढंग से समझ लीजिए। चाहती हूँ अगर इमरान खान इतने उदार हैं तो दे देना मसूद अजहर को हमें, देख लेंगे हम उनकी उदारता। वीटो माध्यम चीन अजहर को बंचाई विश्वर प्रमुख देश कड़ा प्रतिक्रिया आतंकवाद प्रसंग रे यूएनएससी रे भारत को समर्थन करी अमेरिका स्पष्ट करिछि जे एबे भी समस्त विकल्प खोला अछि। एही भली भाबे चीन अजहर को विश्व आतंकवादी घोषित हेबारु बंचाइले सुरक्षा परिषद रे अन्य देशगुडी को कड़ा आभिमुख्य आपणेबाकू पड़िबो, किंतु एभली परिस्थिति न बुझिले भल। अजहर विरोध में प्रस्ताव को समर्थन न करने पछरे चीन अनेक योजना और बाध्यबाधकता रही। सेपटे पाकिस्तान भी धीरे धीरे आतंकी स्थान में परिणत हो। 2019 फेब्रुआरी सुधा प्रस्तुत तालिका अनुसार जातिसंघ 262 जन को और 42 संगठन को आतंकवादी घोषित करिछे। एथिमध्यरु 132 जन और 22 संगठन पाकिस्तान में। सीपेक समेत चीन 77 कंपनी पाकिस्तान ने प्राय 7 लाख कोटी निवेश करिछन्ती। एकमात्र इस्लामिक देश भावे पाकिस्तान उइघर मुसलमान को उपरे चीन कार्यानुष्ठान को समर्थन करिछे। भारत और पाकिस्तान भल संपर्क चीन स्वार्थ विरोधी। सीपेक माध्यम रे पाकिस्तान ने प्रवेश करने को चाहूछि चीन, तेणु से कौनसी परिस्थिति रे पाकिस्तान को निराश करने को चाहिबोनी। Chinese policy is very damaging for international peace, it's very damaging for the regional peace, it's very damaging for the democratic aspirations of the people of the region. इनकी सारी पॉलिसी जो एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स भी है और ये एक्सट्रीमली नेगेटिव मतलब है कि अप्रोच है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान इस इलाके को तबाही की तरफ खींच रहे हैं। China is very much afraid of its project of CPEC. He thinks that these terrorist group may provide security to the CPEC area. The reasons are very evident and obvious. China is building its CPEC through Pakistan. It can't upset Pakistan and it needs Pakistan. मसूद अजहर विरोध रे यूएनएससी रे फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन न प्रस्ताव काट खाइला, किंतु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण हैला चीन को छाड़ी जातिसंघ सुरक्षा परिषद रा अन्य समस्त 4 स्थायी सदस्य भारत को समर्थन करिछन्ते। आतंकवाद विरोधी लड़ाई रे भारत को विश्वर अन्य प्रमुख राष्ट्र मध्य सहयोगरा हाथ बढ़ाउछन्ते। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। बीजेपी रे टिकट कसरत किए रहिबो किए जीवो से नै आरंभ हो जाइछि चर्चा। 21 लोकसभा एवं 147 विधानसभा आसन पर लंबिबार लगी आशायी तालिका। शुक्रवार बसुवा दलर चयन कमिटी बैठक में प्रस्तुत कर संभाव्य प्रार्थी तालिका। यापर केन्द्रीय संसदीय कमिटी तालिकार मोहर मारिबा परे मैदान को जीवे प्रार्थी। किभली प्रार्थी को बीजेपी देव टिकेट? आशायी सर्वनिम्न योग्यता कौन हेब? पुराना रिपीट ना आगो को आसबे नुआ मुह? युवपीढ़ी बा महिला को केते मिलिबो गुरुत्व? अन्य दलरू डिया मारिथिबा प्रार्थी को दल केते भरोसा को नेब? दलीय टिकेट प्रसंग में एसबू दिग को नहीं चर्चा जोर धरता बेले बढ़वे लगी दलीय आशायी प्रार्थी तालिका। शुक्रवार बसुवा दलीय चयन कमिटी बैठक में प्रस्तुत होब विजय संभावना प्रार्थी चूड़ांत तालिका। हेले दलीय नीति और आदर्श को क्रियाशील करुवा व्यक्तित्व जनसेवक एवं विजय संभावना प्रार्थी को चूड़ांत तालिकार गुरुत्व दिज्वि तुंग नेता। प्रथम कथा इको दि वॉइस ऑफ द पार्टी आइडियल ऑफ द पार्टी इन द असेंबली और पार्लियामेंट जे दलर विचारधारा आदर्श को प्रतिध्वनित करेंगे। नंबर 2 होची ही मस्ट बी पीपल फ्रेंडली कैंडिडेट जन जनसेवक होते। नंबर 3 होची विनिंग प्रोस्पेक्ट विजय संभावना। ये तीनटा मापदंड रे सामान्यतः विचार करा जाए। जो माने जन समस्या को ये अपारग स्थान सरकार विरुद्ध रे लड़ाई करछंती संघर्ष करछंती लोकन को न्याय प्रदान करिया रे निजर जीवन को बाजी लगैछंती बड़ी प्रार्थी मनोलोभा प्रार्थी भारतीय जनता पार्टी। सूचना अनुसार 21 लोकसभा और 147 विधानसभा आसन पर प्रार्थी देव दल। लोकसभा सुधा शताधिक आशायी आवेदन पड़ता बेले विधानसभा आसन पर पड़ी 500 अधिक आवेदन। दलीय चयन कमिटी बैठक में प्रस्तुत होब चूड़ांत तालिका। यापर दलर केन्द्रीय संसदीय कमिटी तालिका मार चूड़ांत मोहर। आसंता 18 में प्रकाश पाइबा जाउछि प्रथम पर्याय निर्वाचन विधिबद्ध विज्ञप्ति। तेणु ता पूर्व दलीय प्रार्थी तालिका चूड़ांत होली आशायी आशा। बर्तमान 2019 मोर इच्छा अच्छी एवं भारतीय जनता पार्टी बहु कार्यकर्ता भी चाहूँगी जे आस्का पार्लियामेंट मुझे प्रार्थी हेबी आ प्रार्थी हेले बहुत भी भल हम। देखु जो मैंने संगठन सहित जड़ित होगी अच्छा जो मैंने संगठन पर कम कर आम सेमती प्रार्थी जो संगठन को बुझू सेमती प्रार्थी चाहूँ। दुई प्रमुख राजनैतिक दल बीजेडी और कांग्रेस टिकेट कसरत को नहीं ढेर समय धरी चर्चा लगी रही बेले एवं बीजेपी टिकेट कसरत उपरे समस्त नजर। भुवनेश्वर कैमरामैन राजेश बिसोई मनोज जेना न्यूज 18 ओडिया। बीजेडी इस्तफा देइछंती नवरंगपुर सांसद बलभद्र माझी। नवीन निवास जाई निजर इस्तफा पत्र प्रदान करिसंती बलभद्र माझी। मुख्यमंत्री सचिव को भेटी से निजर इस्तफा पत्र प्रदान करिसंती। 4 पृष्ठर इस्तफा पत्र रे बीजेडी विरोध रे असंतोष प्रकाश करिसंती बलभद्र। कहिसंती रेलबाई इंजीनियरिंग चाकरी छाड़ी बीजेडी रे जोग देली किंतु दल रे एबे तांको अनदेखा करा जाउछि। बीजेडी रे तांकर आवश्यकता थिबा भली से अनुभव कले नाही तेणु से दलरू इस्तफा देइछंती बोली कहिसंती। तबे बीजेडी रू इस्तफा देबा परे से क्यों दल को जीवे से नहीं स्पष्ट करि नाहंती। बीजेडी रू इस्तफा देबा परे बलभद्र माझी को प्रतिक्रिया देइछंती हम प्रतिनिधि महेश नंद। सांसद बलभद्र माझी बीजेडी प्राथमिक सदस्य पद इस्तफा देइछंती त काई के आपने चरम निष्पत्ति लेले नहीं। विगत बहुत दिन हैला पार्टी रो विभिन्न सभा समिति रे मते डका जाउ नथिला एवं विगत किछि दिन हैला तो बिल्कुल कोनोसी इन्फॉर्मेशन नाही डिसीजन मेकिंग रे मीटिंग रे तेणु अणदेखा बिल्कुल अणदेखा करा जाउतला एवं मो स्वाभिमान उपर आंच आउतला तेणु मु रिजाइन करछि। आगामी दिन रे को राजनीतिक दल रे जगत बे किछि निष्पत्ति नै छ से विषय रे बेच किछि चिंता करा जाय नै। जो लोकन संगे रे सेवा रे थिली तांको सेवा रे रहिबी एवं से माने जहा आदेश देबे से अनुसार मु आगामी दिन रे पदक्षेप नेबी। कोन राजनीतिक दल आपन सेता भीतर जोगाजो कले आज दिन रे सेमति किछि नै। आपन अवहेला करा जातला नै कि दल रो हाई कमांड कि काहू को अवगत आपन करितले कि मु विभिन्न समय कही किंतु दुर्भाग्य अणदेखा होती। परवर्ती पदक्षेप कौन आप राजनीतिक एक्टिव रही ना ना मु कहली जो जो मानकर सेवारे थी से माने जहाँ आदेश देवे से अनुसार मु आगामी दिन पदक्षेप नेबी। बर्तमान आप जो इस्तफा देले क्या इस्तफा देले कौन आप नहीं जेहेतु श्री नवीन पट्टनायक मुखिया सागर देखा ही पार्ला ना मुझे पॉलिटिकल सेक्रेटरी को मोर रेजिग्नेशन लेटरटा देके आसी। चाहते नवीन मुख्यमंत्री देखा करने मुझे देखा ही पार्ला ना स्वाभिमान आँच आसला जो से दल निश्चित भाव स्वाभिमान ही गोटे कथा स्वाभिमान ही गोटे कथा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त माझी। मैं देखुले स्वाभिमान को आँच आसवर विजु जनता दल त्याग कर सांसद बलभद्र माझी। नवीन निवास रो कैमरामैन प्रशांत पात्रंक सह महेश प्रसाद नंद, न्यूज 18 ओडिया। निर्वाचन तारीख घोषणा पर प्रचार मैदान में जोरदार लड़े, सबु दलर हेवीवेट एवं देखा दम। एक क्रम में शुक्रवार बरगढ़ में निर्वाचनी बिगुल फुंकिवे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। घन घन ओडिशा गस्तर आसुवा राहुल आसंता काली चाषी समस्या को करिपारंती फोकस। राहुल फोकस रे ओडिशा, कोरापुट परे बरगढ़। एमएसपी और ऋण छाड़ नहीं तेबे बड़ा प्रतिश्रुति। कोरापुट गस्तर 7 दिन भितरे पुणी ओडिशा गस्तरे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। दक्षिण पर एबे फोकस रे पश्चिम ओडिशा बरगढ़र नुआ सरसरा पड़िया रे अनुष्ठित हेबा परिवर्तन संकल्प समावेश। राहुल को ए समावेश पई प्रस्तुति शेष पर्याय रे बरगढ़ रे निर्वाचन बिगुल फुंकिबे राहुल। पूर्व 2015 रे राहुल बरगढ़ आसी आत्महत्या करिथिबा चासिंको परिवार को भेटिथिले। शुक्रवार पुणी चासिंको फोकस करिपारंती राहुल। एमएसपी 2500 टंका को वृद्धि और कृषि ऋण छाड़र प्रतिश्रुति दे पारंती कांग्रेस अध्यक्ष। तासह विभिन्न प्रसंग रे केंद्र और राज्य सरकार को भी टार्गेट करेंगे राहुल। राहुल को गस्त को नहीं राज्य कांग्रेस कैंप में उत्साहित। कांग्रेस पार्टी जो फोकस चाषी मान कथा, युवक मान कथा, महिला मान कथा, आदिवासी और दलित मान कथा, ये विषय के फोकस परिवर्तन संकल्प समावेश। परिवर्तन उद्देश्य है लोके बर्तमान 18 वर्ष 19 वर्ष शासन रही गोटे परिवर्तन चाहते ओडिशा रे, तापाई गोटे संकल्प आम भी करूँ। शुक्रवार राहुल गांधी दिन गोटाए बरगढ़ नुआ सरसरा रे आयोजित परिवर्तन संकल्प समावेश जोगदेवे। 2 मास भितर यह हे राहुल चतुर्थ ओडिशा गस्त। सेपटे बीजेडी और बीजेपी कहते राहुल गस्तर कौन प्रभाव पड़े ना। ओडिशार राजनीतिक परिस्थिति जहाँ आमर जदि राहुल गांधी आसिले मत किसी विजु जनता दल पर फरक पड़े। त्रिमुखी प्रतिद्वंदिता जी हे अधिक बढ़ माने विजु जनता दल भोट मार्जिन माने विनिंग मार्जिन से अधिका बढ़। ओडिशावासी कांग्रेस जो दीर्घ दिन शासन रे जो भली भाव राज्य अनुन्नत होता, भ्रष्टाचार लिप्त थे, बेभिचार लिप्त थे, ओडिशावासी कांग्रेस को प्रत्याख्यान कर सारी। गोटे पटे राहुल गांधी गस्त आउ सेपटे किए टिकेट पाइब ताकू नहीं बरगढ़र राजनीति उष्म होइछि। बरगढ़र रंजन देवतांक सह भुवनेश्वर शुभकांत पढ़िहारी, अजेश मल्लिक और मनोज जेना रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। लोकसभा निर्वाचन पाखे आसुवा बेले राजनैतिक दल मध्य छकापंछा जारी रही। एसबू मध्य आरंभ हो जाइए दल बदल प्रक्रिया। कांग्रेस एवं टीएमसी भली दलर नेताए बीजेपी जोगदेवार देखा मिलूँ। आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा दिने सोनिया घनिष्ठ सहयोगी थिबा टॉम भड़कन दल छाड़ी बीजेपी रे सामिल होइछन्ती। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने कांग्रेस आभिमुख्य एवं यूज एंड थ्रो राजनीति विरोध रे विषोद्गार करिछन्ती टॉम। टीएमसी को मध्य सख्त धक्का लागिछि। दलर स्ट्रांगमैन भाबे जणाशुना अर्जुन सिंह आज बीजेपी रे जोग दैछन्ती। से मध्य बालाकोट आक्रमण नै टीएमसी सुप्रीमो ममता बानर्जी आभिमुख्य को आक्षेप करिछन्ती। लोकसभा निर्वाचन पूर्व कांग्रेस सृष्टि होइछि एक लज्जाजनक परिस्थिति। केरलर वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा मुखपात्र टॉम भड़कन हाथ छाड़ी पद्म धरिछन्ति। दिने यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी घनिष्ठ सहयोगी थिले टॉम। दिल्ली रे केंद्रमंत्री रविशंकर प्रसाद को उपस्थिति रे बीजेपी रे जोग दैछन्ति टॉम भड़कन। पर से बीजेपी सभापति अमित शाह को भेटिथिले। बालाकोट एयर स्ट्राइक नै निजरा पूर्वतन दलर आभिमुख्य को वर्षना करिछन्ति भड़कन। ये देश प्रेम की बात है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा पोजीशन ले जो देश के खिलाफ है तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था कि उस पार्टी को छोड़े। कांग्रेस सभापति राहुल गांधी का नेतृत्व को परोक्षरे समालोचना करिसंती भड़कन। से कांग्रेस रे दीर्घ 20 वर्ष हेला सेवा करुथिले किंतु कांग्रेस यूज एंड थ्रो भली व्यवहार कला बोली कहिछंती टॉम। कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने 20 साल अपना उम्र का मेन प्राइमरी क्या कहते हैं एक एनर्जी पीरियड है वो इस पार्टी के लिए दिया था। लेकिन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एक जेनिथ पर पहुंचा जो ब्लाइंडिंग हो चुका है वर्कर्स के लिए। हम किसका सुने, कौन पावर सेंटर्स हैं, कुछ पता नहीं है। यूज एंड थ्रो फिनोमिनन शुरू हो चुका है और ये मेरे ख्याल से सेल्फ रेस्पेक्टिंग वर्कर्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इट्स जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर माय फ्रेंड्स। पश्चिम बंगाल शासक तृणमूल कांग्रेस रे मध्य नेतृत्व विरोध में असंतोष स्वर। दलर स्ट्रंग मैन भाव में जनाशुना अर्जुन सिंह बीजेपी जोग देइछंती। दिल्ली में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय को उपस्थिति में बीजेपी में शामिल होइछंती अर्जुन सिंह। टीएमसी सुप्रीमो ममता बानार्जी तांकु लोकसभा टिकेट न देबारु दल छाड़ी अर्जुन सिंह। राजनीतिर अर्थ बुझामणा बोली कहिसंती अर्जुन। टीएमसी सुप्रीमो ममता बानार्जी बालाकोट एयर स्ट्राइक नहीं प्रश्न उठाइथिबारु से निराश होइसंती बोली अर्जुन कहिसंती। हां, पूरा देश जिस मसले पर आंसू बहा रहा था, गुस्सा में, आवेग में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के तरफ देख रहा था कि कुछ ऐसे ही व्यक्ति हैं जो कुछ करेंगे इस देश के लिए। और जब उन्होंने किया, पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, तो जवाब प्रश्न पूछा गया कि जो लोग मरे हैं उसका बॉडी कहाँ। ऐसा बयान से मैं इतना दुखित हुआ कि मैं किस व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूँ जिसके लिए देश हित सर्वोपरि नहीं है। अर्जुन सिंह भाई जड़े टाणुआ नेता टीएमसी छाड़ा ममता बानार्जी प्रति सख्त धक्का। बहु पूर्व मुकुल राय, सौमित्र खान और अनुपम हाजरा दल छाड़ी बीजेपी में जोगद सारी। आगामी दिन में आउ किसी टीएमसी नेता दल छाड़ा नहीं चर्चा होवाचन पूर्व दल बदलर यह प्रक्रिय कांग्रेस और टीएमसी को अधिक क्षति होता जमापड़ी। किद पूर्व महाराष्ट्र में विरोधी दल नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल पुओ सुजय कांग्रेस छाड़ी बीजेपी में जोगद। गुजरात विधानसभा निर्वाचन पर एजावत कांग्रेस 5 विधायक दल छाड़ी बीजेपी में जोगद सारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। फोकस पॉइंट को नमस्कार।